अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। किया गया है। कुछ आंदोलनकारी जो बिहार के विभिन्न ज़िलों से यहाँ पर आए और आंदोलन किया गया, सूचना ये मिली थी कि एक पीसफुल आंदोलन है, उसको देखते हुए प्रशासन का भी ये रुख था कि यहाँ के जो डीएसपी टाउन है, जो एसडीएम ईस्ट है और मैं भी, हम लोग यहाँ पर आए थे आंदोलनकारियों की बातों को सुनने के लिए, जायज़ा लेने के लिए कि क्या डिमांड है। तो इस पर जो है, सबसे पहले मैं बता दूँ, जिस केस के से रिलेटेड ये आंदोलन था, इस केस में पहले से ही प्रोएक्टिव कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, गिरफ्तारी जो है हो चुकी है और हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ऐसी चार्जशीट सबमिट की जाए और ट्रायल के दौरान भी ऐसी मदद विक्टिम को भी दी जाए और प्रोसिक्यूशन को भी असिस्टेंस जो भी रिक्वायर्ड है वो दी जाए, ताकि इसमें सज़ा जल्द से जल्द और ठीक सज़ा, उपयुक्त सज़ा दिलाई जा सके। लेकिन इसमें जो है आंदोलनकारी नेशनल हाईवे को बाधित किए हुए बैठे थे, करीब करीब 3 घंटे से वो जाम लगा रहा था और एसडीएम ईस्ट द्वारा एक ज्ञापन मांगा गया कि आंदोलनकारियों का क्या डिमांड है वो एक लिखित रूप में दें, जिस पे जो है प्रशासन अमल करेगा, लेकिन वो इस सब के लिए तैयार नहीं थे और लगातार बाधित रखने से एनएच को कई लोगों को दिक्कतें हो रही थी। हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि किसी को जो है, क्योंकि स्कूल के बच्चों के छुट्टी का टाइम हो गया था तो कई जो है स्कूल बसेस हाईवे पे आगे रुकी हुई थी, बच्चे जो हैं घर नहीं लौट पा रहे थे, कई एम्बुलेंसेस आगे फंसी हुई थी। तो हमने जो है वार्निंग दी सभी लोगों को कि अब जो है ये एक अनलॉफुल असेंबली है, इसको हमें तितर बितर करना आवश्यक हो गया है। हमने वार्निंग दी आंदोलनकारियों को कि यहाँ से जो है जल्दी वो खुद डिस्पर्स हो जाए, वरना जो है प्रशासन की ओर से ज़बरदस्ती एक बलपूर्वक उनको यहाँ से तितर बितर किया जाएगा, लेकिन वो इस सब के लिए राज़ी नहीं थे। फिर हमने पुनः वार्निंग दी, जिस पर की है उन लोगों द्वारा पथराव शुरू हो गया, जिस पर एक पुलिस का एक जवान, उसको सर पे चोट लगी है, गंभीर चोट है, और भी कुछ लोगों को चोट आई है जिसका हम जायज़ा ले रहे हैं। तो इसमें फिर पुलिस द्वारा बलपूर्वक, प्रशासन द्वारा बलपूर्वक सभी लोगों को डिस्पर्स किया गया और 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस पर एक नेम्ड FIR होगा।